अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और अपना करियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बनाना चाहते हैं, तो आज आपको हम बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस और आईटी में क्या अंतर होता है, या फिर कोई अंतर है भी या नहीं। क्विक सपोर्ट पे आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आप आज ही आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन, बिजनेस, जनरल नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स, करियर जैसे ढेर सारे टॉपिक्स पर हम वीडियोस लाते हैं जो आपकी लर्निंग बढ़ाएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन देखें तो इसमें कंप्यूटेशन, ऑटोमेशन एंड इंफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर साइंस बेसिकली थ्योरेटिकल डिसिप्लिन्स जैसे अल्गोरिदम्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्स जिसमें डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कवर होता है। आम भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में सिखाया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बनता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसकी डिजाइनिंग कैसे होती है और पूरे प्रोसेस को कैसे लागू किया जाता है। वहीं बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और जानकारी क्रिएट करने, उसे स्टोर करने, सेव रखने, उसे एक से दूसरे सिस्टम में निकालने या रिट्रीव करने और एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी डेटा इलेक्ट्रिकली यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस की मदद से कंप्यूटर बना दिया गया, पर उसकी मेंटेनिंग और ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क सिस्टम, सिक्योरिटी और डेटाबेस आसानी से चलता रहे और मैनेज होता रहे, ये आईटी से इंश्योर होता है। एक सिक्के के दो पहलू यानी कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, मतलब बिना एक दूसरे के दोनों का अस्तित्व अधूरा है। कंप्यूटर साइंस शरीर है तो आईटी उसका दिमाग है। दोनों के बीच का अंतर बहुत ही बारीक है। ऐसा हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना काम करते समय कंप्यूटर साइंस की जानकारी चाहिए ताकि वो चीजों को डीपली समझ सके। वैसे ही अगर बात करें वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो ये क्रिएशन और डिजाइनिंग का काम है, जो डेफिनेशन के हिसाब से कंप्यूटर साइंस साउंड करता है, पर काउंट होता है आईटी वर्क। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है दोनों में फर्क निकालने में। स्किल्स की बात की जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 3 या 4 साल की डिग्री लेनी पड़ती है। बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने की, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन, C++, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंस में मैथ बहुत जरूरी है, इसीलिए स्टेटिस्टिक्स, अलजेब्रा एंड कैलकुलस का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। साथ ही कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गिटहब की जानकारी भी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेथड्स जैसे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, टूल्स जैसे कि अपाचे स्पार्क और हडूप, डेटा एनालिसिस और डेटाबेस टूल्स जैसे कि SQL, MongoDB, PostgreSQL, एक्सेल वगैरह है। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में महारथी बनना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्पेशली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन और पावर शेल, ट्रबल शूटिंग मेथड्स, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे फायरवॉल्स और राउटर्स की सेटिंग करना, एथिकल हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्स जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या SQL में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। दोनों में इंजीनियर बनने के लिए डिग्री जरूरी है। बहुत से कॉलेज कंप्यूटर साइंस में डिग्री की पढ़ाई करवाते हैं, तो कहीं आपको IT की डिग्री भी दी जाती है, तो कैसे समझे कि लेना किसको है? कंप्यूटर साइंस की ले तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आमतौर पे कंप्यूटर्स और उनके प्रोग्राम से जुड़े बेसिक मैथमेटिकल और कंप्यूटर के पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। कंप्यूटर साइंस की डिग्री में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा स्ट्रक्चर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, जिसे समझने के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इंजीनियरिंग में दिमाग तेज होना चाहिए। अब आईटी पे नजर दौड़ाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने पे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी प्रैक्टिस और एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। कंप्यूटर आपस में काम कैसे करेंगे, इनके बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करना है, इनकी प्रॉब्लम दूर कैसे करनी है, ये सब बेसिक लर्निंग होती है। डिग्री के बाद अब बात आती है जॉब की। तो कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने या डिग्री लेने के बाद आप वेब डेवलपर, रोबोटिक्स इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट जैसे पोस्ट पे जॉब करने लायक बन जाते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हाथ में हो तो कंप्यूटर टेक्नीशियन,
हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर जैसे प्रोफाइल पे आप अपना करियर बना सकते हैं। सैलरी दोनों में ही अच्छी है, पर पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है। डिग्री, स्किल्स और नॉलेज के लिहाज से ही किसी कैंडिडेट की सैलरी डिसाइड होती है, पर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले चुके कैंडिडेट्स को कभी कभी ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है और उनकी सैलरी आईटी वालों के मुकाबले ज्यादा होती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस में डिग्री जरूरी है, पर आईटी में आपको डिग्री लेना ही होगा, ऐसा नहीं है। बात करें आईटी की, तो अगर आप आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से या किसी और टॉप ग्रेड के इंजीनियरिंग कॉलेज से आईटी की डिग्री लेकर निकलते हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो सकती है। दोनों स्ट्रीम्स में 19-20 का फर्क होता है। जैसे सीएस वाले को 25 लाख का पैकेज मिला है, तो आईटी वाला भी 15 से 20 लाख तक पहुंच सकते हैं, अगर कैंडिडेट की नॉलेज और स्किल्स अच्छी है तो। करियर्स की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में करियर मेनली कंप्यूटर बनाने, कंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिजाइनिंग तक सीमित रहता है, पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर कई दिशाओं में जा सकता है। जैसे ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और सिस्टम्स में आए दिन नए नए डेवलपमेंट्स, चैलेंजेस और अपग्रेडेशंस होते रहते हैं, उस लिहाज से इनके पास करियर ऑप्शन ज्यादा होता है। और अगर बात करें कि कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बन सकता है, तो जवाब है हाँ, क्योंकि कंप्यूटर की कोर प्रोग्रामिंग और लॉजिक क्लियर होने के चलते वो सभी चीजें आसानी से सीख लेते हैं। और एक आईटी स्पेशलिस्ट भी अगर कंप्यूटर साइंस में जाने की सोच रहा है तो जरूरी नॉलेज, स्किल्स, लॉजिक क्लियर है, तो वो अपनी मेहनत से कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता है। अब अगर डिग्री लेने की बात करें तो दोनों ही स्ट्रीम्स के कोर्स करिकुलम में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसीलिए अगर आप क्लास 12th के बाद आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करके किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं और सीएस मिल गया तो बहुत बढ़िया, ना भी मिले तो आईटी की डिग्री लेने में भी कोई बुराई नहीं है। बस कॉलेज चूज करते समय उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स और इतिहास, भूगोल सब कुछ पे रिसर्च कर लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब इंजीनियरिंग करने के लिहाज से इंडिया में लगभग सभी आईआईटीज बेहतर हैं, जिनमें टॉप 5 की बात करें तो आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर और आईआईटी रुड़की में जाने का सपना स्टूडेंट्स देखते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। इनके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, बिट्स पिलानी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यूपीईएस देहरादून, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु जैसे ढेर सारे ऑप्शंस आपको अपने राज्य में जरूर से मिल जाएंगे। रही बात प्लेसमेंट की, तो इंडिया में कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही डिग्री धारी कैंडिडेट्स को आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनीज तवज्जो देती हैं। इसलिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एचपी, टीसीएस, टेक महिंद्रा या कोई और मल्टीनेशनल कंपनी हो, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और कंपनी को आप में पोटेंशियल दिख गया तो वो आपको जरूर लेंगे। तो इसी के साथ ये जानकारी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा, पूरी टीम की मेहनत कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं लिख भेजिए। बाकी आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही आगे और ऐसे जवाबों के साथ। तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल और रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।